डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू गेट पे टू सक्सेस। दोस्तों, ये तीसरा लेक्चर है हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर। पिछले दो लेक्चर में हमने लेक्चर वन में हमने बात की थी रिजिड पेवमेंट के डिज़ाइन की, और लेक्चर टू में हमने हाईवे कंस्ट्रक्शन चालू किया था। और जो लेक्चर टू था उसमें हाईवे कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला बेसिक पार्ट जो है कंस्ट्रक्शन का, एम्बेकमेंट कंस्ट्रक्शन, उस पर बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अर्थ रोड और ग्रेवल रोड के कंस्ट्रक्शन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं अर्थ रोड का कंस्ट्रक्शन एंड ग्रेवल रोड का कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ रोड की। अर्थ रोड क्या है और कैसे बनाई जाती है? स्टूडेंट्स, जो अर्थ रोड होती है उसमें क्या होता है, फाउंडेशन और वियरिंग सरफेस जो होती है रोड की, वो कंसिस्ट करती है वन आर टू कंपैक्टेड लेयर ऑफ ऑर्डिनरी सॉइल और स्टेबिलाइज्ड सॉइल। यानी कि अर्थ रोड एक ऐसी रोड है जिसे नेचुरल सॉइल से बनाया जाता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐसी रोड की जो नेचुरल सॉइल से बन रही है, या फिर कहें कि इस सॉइल में कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको स्टेबिलाइज्ड कर दिया गया है, इस सॉइल का हम यूज कर रहे हैं। तीसरी बात, हम कह सकते हैं कि हम लोकली अवेलेबल सॉइल का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके की सॉइल का यूज करके जब हम रोड बनाते हैं तो दैट रोड इज कॉल्ड अर्थ रोड। यहां कहा गया है कि जब रोड का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन यानी कि सबग्रेड यानी कि बेस, सब बेस, दिस इंटायर पार्ट एंड द वियरिंग सर्फेसेस, वियरिंग सर्फेस, दिस इज द वियरिंग सर्फेस, टॉप मोस्ट पोर्शन वियरिंग सर्फेस। तो जब फाउंडेशन और वियरिंग सर्फेस दोनों ही सॉइल की बनी होती हैं, नेचुरल सॉइल की बनी होती हैं, जो या तो ऑर्डिनरी है या स्टेबिलाइज्ड है, देन दैट रोड इज कॉल्ड अर्थन रोड। अर्थन रोड चीपेस्ट टाइप ऑफ रोड होती है जो कि नेचुरल रोड से बनती है। यहां डायग्राम में आपको एक रोड दिखाई गई है जो लोकली अवेलेबल अर्थ सॉइल से बनी हुई है। जो अर्थन रोड होती है उस रोड का जो कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत स्टीफ होता है, जो कि 1:33 to 1:25 होता है। कैम्बर से हमारा मतलब यहां पर है क्रॉस स्लोप से। सपोज दैट यहां डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो अगर ये एक पेवमेंट की विड्थ है, या आप यूं कहें कि दिस इज द कैरिज वे, तो इस कैरिज वे में जब रेनफॉल का वाटर आता है तो उस वाटर को ड्रेन करने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए सेंटर से दोनों ही तरफ स्लोप बनाया जाता है। इस तरीके के क्रॉस स्लोप को कैम्बर बोलते हैं। इस कैम्बर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है अर्थ रोड में, सो दैट वाटर को इजिली ड्रेन किया जा सके। और ये वैल्यू यहां पर 1:33, आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे 3% भी कह सकते हैं, और 1:25 इसे आप 4% भी कह सकते हैं। अगर आप IRC की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो लाइट रेनफॉल के केस में 3% वैल्यू अडॉप्ट करी जाती है, एंड हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में 4% की वैल्यू अडॉप्ट करी जाती है। अर्थ रोड के केस में जो मैक्सिमम क्रॉस स्लोप होता है वो 1:20 होता है, यानी कि 5%। ये इसलिए इतना रिकमेंडेड किया गया है सो दैट अवॉइड किया जा सके इरोजन ड्यू टू द रेन वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस नट। जब वैल्यू 4% से ज्यादा होती है, 5% या 5% से भी ज्यादा ना हो जाए, इसलिए 5% एक लिमिटेड वैल्यू की गई है मैक्सिमम क्रॉस स्लोप की। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा क्रॉस स्लोप के केस में जो सॉइल है, जिस सॉइल से हमने इस पेवमेंट को बनाया है, उस सॉइल का इरोजन होता है, इस सॉइल का यहां से इरोजन होता है और यहां क्रॉस नट्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके के केसेस में हम इसको 5% तक लिमिट कर लेते हैं।
टू डिस्पोज ऑफ द रेन वाटर द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट शुड बी अबव 600 mm। यानी कि जब भी हम कोई अर्थन रोड बनाते हैं तो सपोज दैट ये एक नेचुरल ग्राउंड लेवल है, तो नेचुरल ग्राउंड लेवल पर हम सबसे पहले एक एम्बैकमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं और ये एम्बैकमेंट की मिनिमम हाइट जो है वो 600 mm रखते हैं अबव द ग्राउंड लेवल। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो रैन वाटर है, जो यहाँ पर रैन वाटर कलेक्ट होगा, इस रैन वाटर को क्रॉस स्लोप के थ्रू हमने रोड सरफेस से तो ड्रेन कर लिया, लेकिन इस पूरे इंटायर कैरिजवे के रीजन से आउट करने के लिए हम एक एम्बैकमेंट बनाते हैं ताकि इसको यहाँ से डिस्पोज किया जा सके और ये एरिया हमारा सेफ रहे। अब जिस मटेरियल से हम 200 अर्थन रोड बनाते हैं उस मटेरियल के कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हमें समझना है क्योंकि इस टेबल के बेस पर हमें कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। यहां डिफरेंशिएट किया गया है टेबल को दो पार्ट में, बेस कोर्स और बियरिंग कोर्स। बेस कोर्स से हमारा तात्पर्य है जो कि सबसे पहली लेयर है, या अर्थ रोड के केस में यूं कहें कि एक ही लेयर है अर्थ बेस कोर्स की, देन उसके बाद हमारे पास बियरिंग कोर्स है। इन केस ऑफ बिटुमिनस एंड अदर रोड्स ये बेस सब बेस भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अर्थन रोड की, और अर्थन रोड के केस में बेस कोर्स से मतलब है जो वियरिंग कोर्स के जस्ट नीचे और सबग्रेड के बीच में है, दैट इज द बेस कोर्स। तो बेस कोर्स के केस में क्ले का जो कंटेंट है दैट कंटेंट शुड बी लेस देन 5% एंड वियरिंग कोर्स के केस में 10-18%। नाउ सिल्ट का जो कंटेंट है वो बेस कोर्स में 9-32% होना चाहिए एंड वियरिंग कोर्स में 5-15% होना चाहिए। सैंड का जो कंटेंट है वो बेस कोर्स में 60-80% होना चाहिए एंड वियरिंग कोर्स के केस में 65-80% होना चाहिए। जो लिक्विड लिमिट होनी चाहिए सॉइल की, जिस सॉइल का यूज आप अर्थ रोड बनाने के लिए कर रहे हैं, तो फॉर बेस कोर्स इट शुड बी लेस देन 30% और वियरिंग कोर्स में भी इट शुड बी लेस देन 30%। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि जब लिक्विड लिमिट 35% से कम होती है तो हम इसे क्या कहते हैं? लो कहते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये वैल्यू अर्थन रोड के बेस कोर्स में 6% से कम होनी चाहिए और बियरिंग कोर्स में 4-10%। सो आप इसको कैसे याद रखेंगे? बेस कोर्स में प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 6% से कम होनी चाहिए और वियरिंग कोर्स में अगर 6% से ज्यादा हो भी जाती है तो अप टू 10% तक चल जाती है। यानी कि सरफेस कोर्स जो होगा, वियरिंग सरफेस कोर्स, उसमें आपको लो प्लास्टिसिटी वाली सॉइल को रखना है। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, अगर हम टाइप ऑफ अर्थ रोड की बात करें तो अर्थ रोड दो तरह की होती है। वन इज द ऑर्डिनरी अर्थ रोड एंड अदर इज द स्टेबलाइज्ड अर्थ रोड। दोस्तों ऑर्डिनरी अर्थ रोड वो रोड है जिसका फाउंडेशन और वियरिंग सरफेस जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है एक या दो कंपैक्टेड लेयर में नेचुरल सॉइल अवेलेबल अलोंग द अलाइनमेंट। यानी कि सपोज दैट आप यहां से इस तरीके का रोड कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये आपका कैरिजवे का विड्थ है, ये आपका कैरिजवे विड्थ है, तो ये अर्थ रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप इस लोकलिटी में, इस लोकलिटी में जो भी सॉइल आपको मिले उसी लोकली अवेलेबल सॉइल को आप एक्सकेवेट करके देन यहां फिल करके कंपैक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके की अर्थ रोड कहलाती है ऑर्डिनरी अर्थ रोड, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी टाइप की जो अर्थ रोड होती है वो होती है स्टेबलाइज्ड अर्थ रोड। स्टेबलाइज्ड अर्थ रोड का मतलब यह है कि जब किसी भी अर्थ रोड का फाउंडेशन और उसका वियरिंग कोर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एक या दो कंपैक्टेड लेयर में यूजिंग स्टेबलाइज्ड सॉइल, देन दैट रोड इज कॉल्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ रोड। दोस्तों यहां स्टेबलाइज्ड सॉइल जो है यूज की जा रही है रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हमने क्या कहा कि अर्थ रोड वो रोड है जिसका फाउंडेशन और वियरिंग सरफेस नेचुरली अवेलेबल सॉइल से बनेगा। अब उसी नेचुरली अवेलेबल सॉइल में हम क्या कर रहे हैं? कुछ कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, कोई एजेंट ऐड कर रहे हैं फॉर इनहेंसिंग सम प्रॉपर्टीज, और हम उसे कह रहे हैं कि ये स्टेबलाइज्ड सॉइल है।
तो यहां स्टेबिलाइज्ड सॉइल का यूज करके स्टेबिलाइज्ड अर्थ रोड बन रही है। स्टेबिलाइज्ड सॉइल एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि ऑप्टेन किया जा रहा है कॉम्बिनेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर नॉर्मल एकरिंग सॉइल जो लोकली अवेलेबल सॉइल है रोड के अलाइनमेंट के आसपास, उस सॉइल में जब हम सीमेंटिंग एजेंट ऐड करेंगे जैसे कि लाइम, जैसे कि सीमेंट, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट जैसे कि फ्लाई एश और स्लैग, ठीक है, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज इनहेंस होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज इनहेंस होती हैं? जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज। इसी वजह से, इसी पर्पज के लिए हम सॉइल को स्टेबिलाइज करते हैं और ये प्रोसेस ही कहलाती है स्टेबिलाइजेशन। अब अगर हम बात करें कि सॉइल में इन एजेंट्स के ऐड करने की वजह से अगर स्टेबिलाइजेशन हुआ तो उस स्टेबिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होता है कि सॉइल की स्ट्रेंथ में इंक्रीज होता है। स्ट्रेंथ पर्टिकुलरली बात करें तो सीयर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टिफनेस बढ़ती है एंड रिडक्शन इन द सॉइल प्लास्टिसिटी। हमने कि देखा था सॉइल जो हम यूज करते हैं अर्थरोड बनाने के लिए उसकी प्लास्टिसिटी कम होनी चाहिए। तो जब लोकली अवेलेबल सॉइल हाईली प्लास्टिक होती है तो उस सॉइल का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्टेबिलाइज करते हैं और उसकी प्लास्टिसिटी रिड्यूस करके उसी को यूज कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज पोटेंशियल जो होता है उसको कम करते हैं। तो यही होते हैं क्या, स्टेबिलाइजेशन के बेनिफिट। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो सपोज दैट यू वांट टू कंस्ट्रक्ट एन अर्थन रोड और जो लोकली अवेलेबल सॉइल है अर्थन रोड के साइड में वो है कोई क्ले। अब दोस्तों क्ले क्या होती है, क्ले के पास स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही क्ले सॉइल के अंदर वाटर इंटर करता है ये सॉइल क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है, और जैसे इससे वाटर ड्रेन आउट होता है ये सॉइल श्रिंक कर जाती है। अब इस स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी की वजह से लार्ज वॉल्यूम चेंज होते हैं। एक बार आपने रोड को बना दिया, कंपैक्ट करके प्लेस कर दिया, देन सर्विस पीरियड में स्वेलिंग और श्रिंकेज बार बार होता है, इस वजह से रोड जो है फेल कर जाती है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए या तो आप उस इंटायर सॉइल को वहां से डग आउट करके रिमूव कर दें और दूसरे जगह की दूसरी जो सूटेबल सॉइल हो वो लाएं। ऐसा करने पर कास्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की और एक्चुअली कंस्ट्रक्शन की भी ओवरऑल। तो इन दैट केसेस आप क्या करते हैं कि उसी सॉइल का यूज उसको स्टेबिलाइज्ड करने के बाद करते हैं। स्टेबिलाइजेशन का जो टेक्निक है वो 5000 ईयर बैक टेक्निक है, अभी ये नया टेक्निक नहीं है, बहुत पुराना टेक्निक है। दोस्तों जब रोड बनना चालू हुई सबसे पहले जो रोमन लोग थे, जो ग्रीक्स थे, जब वहां पर रोड बनना चालू हुई तो उन्होंने स्टेबिलाइज अर्थ रोड बनाई। यानी एंशिएंट इजिप्ट की बात कर रहे हैं और मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ग्रीक एंड रोमन ने लाइम का यूज किया था एज ए स्टेबिलाइजर। यानी कि ये टेक्निक बहुत ही पुरानी टेक्निक है। यानी इजिप्टियंस ने क्या किया और ग्रीक्स रोमन्स ने क्या किया, इन्होंने सॉइल, कौन सी सॉइल, क्ले सॉइल, सॉइल में इन्होंने लाइम को ऐड कर दिया और इससे इसकी प्रॉपर्टी इनहेंस हो गई, स्टेबिलाइजेशन हो गया। तो ये है स्टेबिलाइज्ड रोड। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अर्थ रोड के कंस्ट्रक्शन करते समय कौन कौन से टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें यूज में आने वाले हैं, जिनके ऊपर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबसे पहला टर्म आता है बैरोपिट का। बैरोपिट पिछले इम्बेकमेंट वाले लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर काफी डिस्कशन कर रखा है, यहां तो हम कम ही बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हो चुका है और हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दैट इज मोर्थ की जितनी भी गाइडलाइंस है एम्बेकमेंट को लेकर उसमें बैरोपिट का डिस्कशन है। उसको लेकर जो भी पॉइंट्स हैं, जितने भी क्लाज हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं, तो मैं लिंक आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा पुराने लेक्चर का, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हम बैरोपिट की बात कर रहे थे। बैरोपिट एक्चुअली क्या होता है, ये एक पिट होता है जो डक किया जाता है अलॉन्ग द अलाइनमेंट ऑफ रोड। यानी कि अगर आपका रोड है ये, तो ये अलाइनमेंट का डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में यहां किसी एरिया में आप अगर एक्सकेवेशन कर रहे हैं, यहां किसी एरिया में आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं,
यहां से सॉइल को एक्सकेवेट करके देन यहां आप इसको प्लेस करने वाले हैं. सो दिस एरिया इज नथिंग बट द बैरो पिट. ठीक है. दे आर जनरली डक टू यूज द अर्थ मटीरियल फ्रॉम द पिट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एम्बैकमेंट. यानी इनका यूज बेसिकली क्या बनाने के लिए करते हैं, रोड एम्बैकमेंट के लिए करते हैं. और इसी रोड एम्बैकमेंट का ही पार्ट रहता है अर्थन रोड के केस में ही जो है, तो आपका बेस एंड सरफेस कोर्स. बैरो पिट को लेकर एक स्पेसिफिकेशन क्या है कि बैरो पिट शुड ऑलवेज बी डग 5 मीटर अवे फ्रॉम द टो ऑफ द एम्बैकमेंट. यानी जो भी एम्बैकमेंट का टो होगा, जो भी एम्बैकमेंट का टो होगा, सपोज दैट दिस इज योर एम्बैकमेंट, इस एम्बैकमेंट के टो से मिनिमम 5 मीटर की डिस्टेंस पर आपको रखना है क्या, बैरो पिट. दिस पोर्शन इज द बैरो पिट. यानी ये बैरो पिट एज से कम 5 मीटर की दूरी पर हो. पिछले लेक्चर के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो एम्बैकमेंट बनाने के लिए बैरो पिट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा उसकी अधिकतम जो डेप्थ होगी वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है. और यहां पर इस तरीके का म्यूटम छोड़ देंगे ताकि जब बाद में हम इसका मेजरमेंट करेंगे पेमेंट के लिए कि कितना एक्सकेविशन किया लेबर ने या किसी मशीन ने, तो इसका पेमेंट करने के लिए हम इस म्यूटम का यूज करके और इसकी थिकनेस यूज करेंगे. देन यहां से हमें कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी क्या, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क. अर्थवर्क की क्वांटिटी किस तरीके से हम जो है कितना क्वांटिटी एक्सकेवेट कर रहे हैं. फॉर दैट पर्पज वी विल यूज म्यूटम. नेक्स्ट दूसरा टर्म है दोस्तों स्पॉइल बैंक. स्पॉइल बैंक जो होता है जनरली कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक्सकेवेटेड सॉइल से. यानी अभी जो सॉइल आपने इस जगह से जो भी सॉइल आपने एक्सकेवेट की है, इस सॉइल को आपको कहीं ना कहीं तो प्लेस करना पड़ेगा. जिस जगह प्लेस करते हैं और जिस शेप में आप इसको प्लेस करते हैं वो प्लेस कहलाता है, वो शेप कहलाता है स्पॉइल बैंक. तो इस स्पॉइल बैंक को कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक्सकेवेटेड सॉइल से ऑन द साइड ऑफ कटिंग, जहां भी आप कट कर रहे हैं. दे आर जनरली कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द अलाइनमेंट ऑफ रोड. सपोज दैट दिस इज योर अलाइनमेंट, यहां एक्सकेवेशन किया या कटिंग की, तो आपका आपका जो स्पॉइल बैंक है वो यही रहेगा. यहां एक्सकेवेशन किया तो स्पॉइल बैंक यहां रहेगा, यहां एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो स्पॉइल बैंक आपका इधर बनेगा. तो ये आपका स्पॉइल बैंक है. स्पॉइल बैंक को लेकर कहा गया है कि हाइट ऑफ द स्पॉइल बैंक शुड नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 3 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप एज ऑफ कटिंग. यानी कटिंग की जो टॉप एज होगी उससे कम 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए और स्पॉइल बैंक की हाइट 1.5 मीटर से कम होनी चाहिए, 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट रोड कंस्ट्रक्शन को लेके एक तीसरा टर्म होता है लीड. लीड क्या कहलाता है, टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन पर जो रोड सॉइल जो एक्सकेवेट की जाती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसकी डिस्टेंस जो होती है अगर उसको मेजरमेंट किया जाए, उस डिस्टेंस को मेजर किया जाए बिटवीन द एक्सकेवेटेड अर्थ एंड द पॉइंट ऑफ प्लेसिंग That excavated soil is called the lead. यानी excavate किया soil को और उसको excavate करने के बाद आपने उसको किस जगह पर रखा, तो इन दोनों के बीच की जो distance है that distance is called the lead. Generally on site 30 meter की lead मान के चलते हैं, initially मान के चलता है कोई भी. For the contractor do not get any additional payment. यानी 30 मीटर तक की लीड के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कोई एडिशनल पेमेंट नहीं दिया जाता है. हाउएवर अगर आपकी जो लीड है उसकी यूनिट की बात करें तो लेस देन 500 मीटर के केस में आपकी जो लीड की यूनिट रहती है वो 50 मीटर होती है. अगर आपके एक्सकेवेटेड पॉइंट और प्लेस्ड पॉइंट के बीच की जो दूरी है 0 से लेकर 500 मीटर तक की है तो आपकी लीड की जो यूनिट होगी वो 50-50 मीटर की होगी. अगर ये दूरी आपकी 500 मीटर से 5 किलोमीटर यानी हाफ किलोमीटर से 5 किलोमीटर है तो लीड की जो यूनिट होगी वो 500 मीटर की यूनिट होगी. और अगर आपकी डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर से लेके
मोर देन 5 किलोमीटर है, देन आपकी लीड की यूनिट 1 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ हमें एक बारीक सा अंतर समझना है कि 30 मीटर तक की लीड के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कोई एडिशनल पेमेंट नहीं किया जाएगा, इससे ज़्यादा का होगा तो पेमेंट होगा। अप टू 500 मीटर यानी हाफ किलोमीटर तक की लीड के लिए यूनिट क्या चलेगी, हर 50 मीटर। और ये इसलिए यूनिट बनाई गई है क्योंकि इस यूनिट के बदलने पर रेट बदलते हैं। और 500 मीटर से 5 किलोमीटर तक के लिए 500 मीटर की, हाफ किलोमीटर की आपकी यूनिट चलेगी, और 5 किलोमीटर से ज़्यादा के केस में किलोमीटर की चलेगी, दैट इज 1 किलोमीटर। नेक्स्ट टर्म है जो लिफ्ट का है। दोस्तों लिफ्ट क्या कहलाता है, लिफ्ट एक वर्टिकल डिस्टेंस होता है ऑफ लिफ्टिंग ऑफ एक्सकेवेटेड अर्थ रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। जिस अर्थ को आपने एक्सकेवेट किया उसको वर्टिकली कितना ऊपर ले जा रहे हैं, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द लिफ्ट। जनरली ऑन साइट 1.5 मीटर की लिफ्ट ली जाती है जिसके लिए एडिशनल कोई पेमेंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमें बैलेंसिंग ऑफ अर्थवर्क, किसी भी अर्थ रोड के कंस्ट्रक्शन में, ग्रेवल रोड के कंस्ट्रक्शन में, या किसी भी तरीके के रोड के कंस्ट्रक्शन में एक टर्म होता है अर्थवर्क। और अर्थवर्क जो होता है वो रिलेटेड होता है सॉइल, यानी मिट्टी का जितना भी काम है वो कहलाता है अर्थवर्क। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है क्यों, क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है वो बैलेंस की जा सकती है। कैसे बैलेंस की जा सकती है, क्योंकि एक ही रोड के कुछ पार्ट में, कुछ पार्ट ऑफ द लेंथ में हमें सॉइल को कट करना पड़ता है और कुछ पार्ट में हमें सॉइल को जो है तो फिल भी करना पड़ता है। तो मैक्सिमम टाइम किसी भी डिजाइनर की या रोड बनाने वाले की जो कंसिडरेशन रहती है वो ये रहती है कि किस तरीके से ऐसा डिजाइन किया जाए, ग्रेड लाइन कैसे सेलेक्ट की जाए ताकि कटिंग और फिलिंग में सेम क्वांटिटी ऑफ अर्थ आए। इस तरीके की प्रोसेस कहलाती है बैलेंसिंग ऑफ अर्थ वर्क। यानी क्यों रिक्वायर्ड है ये, इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम बैलेंसिंग ऑफ द अर्थ वर्क ऑल्सो रिकमेंडेड। एक्सकेवेशन तो ठीक है लेकिन बैलेंसिंग भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह एक्सकेवेट करके रोड को और उसी को एक्सकेवेट करके यूज करते जाएं, कहीं आपको फिलिंग भी करनी पड़ेगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि जिस सॉइल को आपने कहीं ना कहीं एक्सकेवेट किया है उसको कहीं आप फिल भी कर सकते हैं। सो देयर शुड बी नो लार्ज डिफरेंस इन द ऑब्टेंड इन द अर्थ ऑब्टेंड फ्रॉम कटिंग to the earth required for filling. To minimize this difference, proper selection of gradient is required. इसीलिए जो है ग्रेडियंट सेलेक्ट किए जाते हैं। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ अर्थन रोड की बात करें तो सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं तो प्रॉपर सर्वे ऑफ द साइट किया जाता है। इस केसेस में क्या करते हैं, सेलेक्शन ऑफ एरिया फॉर द बारो पिट देखते हैं कहाँ होगा, और ये देखते हैं कि आउटसाइड ऑफ द लैंड विड्थ ऑफ द अर्थ रोड होना चाहिए। देन सेंटर लाइन फिक्स करते हैं और पेज इंसर्ट करते हैं, पेज ड्रिवन करते हैं फॉर द रेफरेंस ऑफ वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड। देन एक्सकेवेशन चालू करने से पहले साइट इज टोटली क्लीन्ड फ्रॉम द श्रब्स, ट्रीज, ग्रास एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर। क्यों, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकते हैं रोड के लिए। जब एक्सकेवेशन प्रोसेस हो चुकी होगी तब सबग्रेड बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रोवाइडेड विद द सफिशियंट कैम्बर एंड प्रॉपर ग्रेडियंट। कैम्बर का मतलब क्या हुआ, क्रॉस स्लोप, जो वाटर को ड्रेन करने के लिए, और ग्रेडियंट यानी अलॉन्ग द रोड क्या ग्रेड है। जनरली द थिकनेस ऑफ द पेवमेंट कंस्ट्रक्शन डिसाइड द डेप्थ ऑफ द सब ग्रेड। यानी जो पेवमेंट कंस्ट्रक्शन की थिकनेस जो है वो सब ग्रेड की डेप्थ डिसाइड करती है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन या प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड क्या करते हैं, इट इज प्रॉपरली कंपैक्टेड बाई रोलिंग। क्या याद रखना है कि आपने एक्सकेवेशन किया, उससे सबग्रेड बनाया, सबग्रेड बनाने के बाद उसका आपने कंपैक्शन किया बाई रोलिंग। सो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्थ रोड का कंपैक्शन किससे होता है, रोलिंग से होता है, रोलिंग ऑपरेशन से होता है, विद द हेल्प ऑफ रोलर्स। सफिशियंट अमाउंट ऑफ द वाटर इज स्प्रिंकल ड्यूरिंग अलॉन्ग विद द रोलिंग ऑपरेशन फॉर द प्रॉपर कंपैक्शन। यानी कंपैक्शन को प्रॉपर करने के लिए, कंपैक्शन की प्रोसेस में हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे, क्या करते हैं, सॉइल के अंदर वॉइड में जितना अमाउंट ऑफ एयर मौजूद है उसको हम बाहर निकालना चाहते हैं। तो वेट के एप्लीकेशन से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, बट ये
ये एक्सपेल्शन ऑफ एयर टेम्परेरी होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर लोड अप्लाई करते समय रोलिंग के केस में रोलर के थ्रू, आपने देखा होगा ये रोलर है, यहाँ सॉइल भरी है आपने, इसको आप रोल कर रहे हैं, रोल करेंगे तो ये वेट अप्लाई करेगा, वेट अप्लाई करेगा तो ये कंप्रेस होगा, ये जब कंप्रेस होगा इस तरीके से तो अंदर का एयर बाहर निकलेगा। लेकिन इस रोलर के शिफ्ट होते, जैसे रोलर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ का जो सॉइल है अगेन से वो एक्सपांड कर जाएगा, यानी ये प्रोसेस तो क्या है, टेम्परेरी है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि रोलिंग ऑपरेशन करते समय इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे तो सॉइल के वॉइड में वाटर इंटर कर जाएगा, और अगर वॉइड में वाटर इंटर कर जाएगा देन एयर विल ऑटोमेटिकली एक्सपेल आउट, एयर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोग करते हैं आफ्टर द कंपैक्शन, अनदर लेयर ऑफ सबग्रेड ग्रेडेड सॉइल इज लेड, यानी हमने क्या किया, सबग्रेड के लिए सॉइल को एक्सकेवेट किया, उसको कंपैक्ट किया, कंपैक्ट करते समय हमने क्या किया, उसको वाटर के साथ कंपैक्ट किया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वाटर की स्प्रिंकलिंग करते हैं और उसके बाद अनदर लेयर जो होती है उसको प्लेस करते हैं, और ये प्रोसेस चलाते जाते हैं। द थिकनेस ऑफ द लेयर इज केप्ट बिटवीन 8 to 12 centimeter, इंपॉर्टेंट है ये, यानी अर्थन रोड की जो थिकनेस लेंगे हम ये वाली सेकेंड स्टेज में वो 8 to 12 centimeter होगी। नाउ आफ्टर द फाइनल वर्क द कैम्बर ऑफ द रोड इज प्रॉपरली चेक्ड, रोड का कैम्बर जो है वो चेक करेंगे। जनरली अर्थ रोड के केस में तो ये डिसाइड नहीं है, ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने मीटर में आपको कैम्बर चेक करना है, बट दूसरे केसेस में, दूसरी रोड के केसेस में, यानी WBM हो, बिट्यूमिनस हो या अनदर कोई रोड हो, तो आपको एवरी 10 meter पर क्रॉस रोप चेक करना होता है, हर 10 meter पर आपको कैम्बर को चेक करना होता है। और अगर ये फॉल्टी पाया गया एंड फाउंड फॉल्टी इट इज देन नीडेड टू बी करेक्टेड, और हम क्रॉस स्लोप को देन करेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ रोड इट इज टू बी क्यूर्ड विद द सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर 4 to 5 days, 4 to 5 दिन की इसकी क्यूरिंग करते हैं, और जब प्रॉपर क्यूरिंग हो जाती है अर्थ रोड की तो इट इज अलाउड टू ड्राई फॉर मिनिमम 3 days, 3 दिन के लिए क्यूरिंग के बाद इसको ड्राई होने देते हैं, एंड देन इसको ट्रैफिक के लिए ओपन करते हैं। तो इस तरीके से ये इंटायर प्रोसेस है अर्थ रोड के कंस्ट्रक्ट करने का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अर्थ रोड के एडवांटेज क्या क्या है। ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है इसका कंस्ट्रक्शन। दूसरा, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट गिव द बैलेंस्ड अर्थवर्क, अगर ग्रेडियंट सही सेलेक्ट किया तो अर्थवर्क बहुत ही बैलेंस होता है, कटिंग और फिलिंग की क्वांटिटी बराबर होती है, कास्ट कम लगती है। इन फ्यूचर इफ अदर टाइप ऑफ रोड इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एग्जिस्टिंग अर्थ रोड इट गिव्स द गुड फाउंडेशन, भविष्य में अगर हमें कभी कोई दूसरी टाइप की रोड इसी सरफेस के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना हो तो ये रोड जो है उसके लिए एक अच्छा फाउंडेशन बनती है। ओवरऑल प्रोसेस इज रिलेटिवली चीपर, बहुत ही सस्ता है अदर टाइप ऑफ रोड से कंपेयर करें तो। अर्थ रोड के कुछ डिसएडवांटेज हैं उनको देख लेते हैं। दीज रोड्स आर ओनली यूज फुल फॉर द लाइट ट्रैफिक, बहुत ही लाइट ट्रैफिक के लिए यूजफुल है, हैवी ट्रैफिक के लिए यूजफुल नहीं है। इट कैन नॉट सस्टेन द लाइफ स्पान ऑफ द रोड इट इज अलाउड फॉर हैवी ट्रैफिक, यानी कि अगर हम इसमें हैवी ट्रैफिक अलाउ करें तो जितना इसका लाइफ स्पान है उतने टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर सकती है। दिस टाइप ऑफ रोड वेयर क्विकली एंड द मेंटेनेंस इज लिटिल बिट कॉस्टलियर, यानी इसका इरोजन की वजह से या वियर एंड टीयर की वजह से जो है मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दिस टाइप ऑफ द रोड कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड आर इट विल बी वर्थलेस इन द एरिया वेयर मानसून इज ऑन पीक और एरियाज दैट हैव द मैक्सिमम रेनफॉल, जहां ज्यादा बारिश होती है, जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा है या जहां मानसून हमेशा बना रहता है, उस जगह पर इस तरीके के रोड कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हैवी रेनफॉल के केसेस में क्या होगा कि रोड इरोड आउट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अर्थ रोड के बाद ग्रेवल रोड की तरफ, ग्रेवल रोड के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। दोस्तों अभी हमने अर्थ रोड को जाना जो कि लोकली अवेलेबल अर्थ मटीरियल से बनती है। अब ग्रेवल रोड की अगर जहां तक हम बात करें
तो ग्रेवल रोड जो होती हैं वो अर्थ रेट के केस में सुपीरियर होती हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हैवियर ट्रैफिक कैरी कर सकती हैं। दीज रोड जो होती है वो कंसिस्ट करती है कैरिज वे कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द ग्रेवल, इस तरीके के ये जो ग्रेवल हैं इसका यूज करके आप जो है तो इस रोड को बनाते हैं। कैम्बर जो होता है ग्रेवल रोड के केस में 1 in 25 से 1 in 30 होता है, यानी कि ये 5% to 1 in 30, दैट मीन्स 1/30 जनरली 3.3% के अराउंड, तो इस तरीके का इसमें कैम्बर होता है। अब इसके केस में क्या होता है ग्रेवल रेट के केस में कि वेल कंपैक्टेड क्रस्ट रॉक यूज की जाती है जिसे हम ग्रेवल कहते हैं, ये फेयरली रिजिलियंट होती है और ये स्लिप नहीं करती है जब वेट होती है, यानी जब इस पर पानी होता है तब इसमें स्लिपेज की दिक्कत जो है वो नहीं आती है, जो कि अर्थ रोड के केस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्लिप करती है। दिस टाइप ऑफ रोड कैन कैटर अबाउट 100 ton ऑफ न्यूमेटिक टायर्ड व्हीकल एंड 60 ton ऑफ आयरन टायर्ड व्हीकल, यानी जो आपका ग्रेवल रोड है वो न्यूमेटिक टायर्ड व्हीकल वाले जो व्हीकल्स हैं उनका 100 ton का लोड कैरी कर सकता है और 60 ton किस तरह के व्हीकल का, आयरन टायर्ड व्हीकल का लोड कैरी कर सकता है। आयरन टायर्ड व्हीकल आपको जनरली ब्लॉक कार्ट वगैरह में मिलते हैं, पर डे पर लेन। तो एक अच्छी बात इसमें यह होती है उसके कंपैरिजन में कि इस तरीके की जो रोड होती है वो उसकी तुलना में ट्रैफिक को ज़्यादा जो है उसके लोड को कैरी कर सकती है, सस्टेन कर सकती है। जनरली दो तरीके की मेथड होती हैं ग्रेवल रोड को कंस्ट्रक्ट करने की, एक फेदर एज टाइप है और दूसरी ट्रेंच टाइप है। पहली जो है वो है फेदर एज टाइप की रोड। फेदर एज टाइप की रोड में क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्ट की जाती है ओवर द सबग्रेड विद द वेरिंग थिकनेस सो एज टू ऑब्टेन द डिजायर क्रॉस स्लोप फॉर द पेवमेंट सर्फेस, यानी कि इस तरीके के केसेस में अगर ये हमारा फाउंडेशन या सबग्रेड है तो इसके ऊपर डायरेक्टली हम रोड को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, इस तरीके से डायरेक्टली रोड कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जो भी हमें इस पे एग्रीगेट फिल करने वो हम फिल कर देते हैं, तो ये फेदर एज टाइप का कंस्ट्रक्शन कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ट्रेंच टाइप के ग्रेवल रोड की बात करें तो ट्रेंच टाइप, जैसा कि नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, तो ट्रेंच टाइप के रोड में सबग्रेड जो होता है प्रिपेयर किया जाता है बाय एक्सकेवेटिंग ए सालो ट्रेंच, एक छोटा सा बहुत ही कम डेप्थ का एक ट्रेंच, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल था जिसको हमने इतनी डेप्थ तक एक्सकेवेट किया और इतना एक्सकेवेशन करने के बाद यहां से यहां तक इंटायरली हमने ग्रेवल को फिल किया। ऐसा करने से क्या होता है कि बेटर कन्फाइनमेंट बन जाता है ग्रेवल का और ट्रेंच टाइप इसीलिए क्या होता है फेदर टाइप की तुलना में प्रेफर किया जाता है। अब अगर हम ग्रेवल रोड के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला आता है मटेरियल। हार्ड वेराइटी ऑफ क्रस्ड स्टोन हमें यूज करना है, ऐसे क्रस्ड स्टोन जो हार्ड वेराइटी के हों, जिनकी हार्डनेस ठीक ठाक हो, अच्छी हो। देन जो ग्रेवल है वो स्पेसिफाइड ग्रेडेशन का हो, ग्रेडेशन से हमारा तात्पर्य यह है उसकी साइज और यूनिट वॉल्यूम में किए गए पैकिंग से, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में वेट कितना मिलता है, यानी कि डेंसिटी कितनी ज्यादा मिलती है। ग्रेडेशन से तात्पर्य यह है कि क्या साइज है और पर यूनिट वॉल्यूम में उस पर्टिकुलर एग्रीगेट का डेंसिटी कितना है, कितना ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम एक यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड का है और कितना कम से कम वॉल्यूम वॉइड का है। मटेरियल ग्रेवल टू बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन इज स्टैक्ड अलोंग द साइड ऑफ द प्रपोज्ड रोड, जो प्रपोज्ड रोड है उसकी साइड में इसका स्टैक बना लिया जाता है। दूसरा प्रोसेस जो होता है वो पेज ड्रिवन करने का होता है। पेज इसलिए ड्रिवन किए जाते हैं ताकि क्या किया जा सके, ताकि हमें लाइनिंग की जा सके, अलाइनमेंट की लाइनिंग की जा सके कि कितना विड्थ ऑफ रोड कंस्ट्रक्ट करना है और उसका अलाइनमेंट क्या है। जो तीसरा स्टेप होता है वो प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड का होता है। द विड्थ ऑफ द ट्रेंच इज मेड इक्वल टू दैट ऑफ द कैरिज वे, यानी जिस ट्रेंच टाइप के ग्रेवल रोड की बात कर रहे थे उस ट्रेंच की विड्थ कैरिज वे की विड्थ के बराबर की जाती है। कैरिज वे से हमारा तात्पर्य किससे है,
अगर सपोज दैट हम एक सिंगल लेन रोड बना रहे हैं जिसमें कोई मीडियन नहीं है, तो रोड का जो पोर्शन है वो प्लस उसके दोनों तरफ जो शोल्डर है वो, तो यानी कि रोड की विड्थ देन शोल्डर, दिस शोल्डर प्लस दिस पेवमेंट विड्थ यानी लेन विड्थ प्लस दिस शोल्डर, दिस इज कॉल्ड द कैरिज वे। और अगर बीच में कोई मीडियन है तो देन दैट केस में टू लेन की रोड है, तो दिस शोल्डर विड्थ प्लस दिस लेन विड्थ देन दिस मीडियन विड्थ अगेन द लेन विड्थ प्लस दिस शोल्डर विड्थ, ये है हमारा कैरिज वे। ठीक है, तो इस कैरिज वे की विड्थ के बराबर विड्थ का ट्रेंच एक्सकेवेट करते हैं। अगला स्टेप जो होता है वो होता है पेवमेंट कंस्ट्रक्ट करने का। द लेयर इज रोल्ड यूजिंग स्मूथ व्हील रोलर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके रखना है हमें इसको कि जब ग्रेवल रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम कौन सा रोलर यूज करते हैं कंपैक्शन के लिए, यानी कि स्मूथ व्हील रोलर। यहां हम कंपैक्शन कर रहे हैं किससे, स्मूथ व्हील रोलर से। स्टार्टिंग फ्रॉम द एजेस एंड प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इस सिंगल लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो बताया गया है। 2018 में जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्मूथ व्हील रोलर से जब ग्रेवल रोल का कंपैक्शन करते हैं तो रोलर कहां से स्टार्ट होता है, एज से या सेंटर से, एज से एज में ही चलता जाता है या एज से चलते हुए सेंटर की तरफ जाता है या सेंटर में ही चलता जाता है या सेंटर से चलते हुए एज की तरफ आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एजेस एंड प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सेंटर विद एन ओवरलैप ऑफ एटलीस्ट हाफ द विड्थ ऑफ रोलर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आगे पूछा जा सकता है कि जब हम ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग कितनी विड्थ की करेंगे रोलर की, तो रोलर की जितनी विड्थ है उस विड्थ का हाफ इन द डायरेक्शन यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और इस प्रोसेस में जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है ओपनिंग ऑफ ट्रैफिक, यानी कुछ दिनों बाद फाइनल रोलिंग करने के बाद और उसके ड्राई होने के बाद रोड को ओपन कर दिया जाता है ट्रैफिक के लिए। तो इस तरीके से हमने अर्थ रोड और ग्रेवल रोड के कंस्ट्रक्शन के सारे डिटेल्स देखे। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो किसी एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से गलत को चूज करना है। लीड इज द एवरेज हॉरिजेंटल स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द बार पिट एंड द प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग सॉइल, यानी कि क्या कह रहा है कि जिस जगह से आपने एक्सकेवेशन किया और जहां आप इसको स्प्रेड करेंगे उन दोनों के बीच की हॉरिजेंटल स्ट्रेट डिस्टेंस को लीड कहते हैं। सो दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है, दैट्स वाई दिस इज नॉट एन आंसर। दूसरा, द लीड इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ब्लॉक ऑफ द एक्सकेवेटेड एरिया, जितने एक्सकेवेटेड ब्लॉक आप करेंगे उसके लिए आप अलग अलग लीड कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है ये, सो दिस इज नॉट द आंसर। द यूनिट ऑफ लीड इज 50 मीटर फॉर ए डिस्टेंस अप टू 500 मीटर, ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ये भी करेक्ट, ये करेक्ट है इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहां हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द यूनिट ऑफ लीड इज 1 किलोमीटर वेयर द लीड एक्सीड्स 2 किलोमीटर, ऐसी कोई यूनिट नहीं है हमें पता है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है, सो दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड फॉर अर्थन रोड, अर्थन रोड के केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर, तो हमें पता है ये 3% होती है और मैक्सिमम कितनी होती है 4%, लाइट रेनफॉल के केस में 3% और हैवी रेनफॉल के केस में 4% और अधिकतम 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड है, वाई टू अवॉइड इरोजन, टू अवॉइड इरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस कट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस कट, इससे बचने के लिए 5% से अधिकतम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, द स्टेबिलाइजेशन ऑफ रोड इज नॉट डन, इन सबग्रेड में स्टेबिलाइजेशन नहीं करते हैं, गलत है ये, बेस का स्टेबिलाइजेशन नहीं करते हैं, ये भी गलत है,
सब बेस का स्टेबिलाइजेशन नहीं करते, ये भी गलत है। सरफेस लेयर का स्टेबिलाइजेशन नहीं करते, बिल्कुल सही कह रहा है, सरफेस लेयर का जनरली स्टेबिलाइजेशन नहीं किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बैरोपिट एंड द एज ऑफ द रोड। सो द मिनिमम डिस्टेंस इज व्हाट? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बैरोपिट एंड द एज ऑफ रोड इज 5 मीटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, द लिक्विड लिमिट ऑफ मटेरियल टू बी यूज इन बेस एंड वियरिंग कोर्स ऑफ अर्थन रोड शुड बी लेस देन 35%। बिल्कुल सही कह रहा है, ये कह रहा है कि अर्थ रोड बनाने के लिए जो भी बेस कोर्स है और जो भी वियरिंग कोर्स है उसके लिए जो सॉइल होगी उसकी लिक्विड लिमिट दोनों ही केस में 35% से कम होगी। बिल्कुल सही है, ऐसा हमने टेबल में देखा था। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ मटेरियल एज ए बेस कोर्स शुड बी लेस देन 6-10% एंड फॉर वियरिंग कोर्स शुड बी लेस देन 6%। ये करेक्ट नहीं है, वाई? क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होगी, जिस सॉइल का यूज कर रहे हैं आप अर्थन रोड का बेस कोर्स बनाने के लिए, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6-10% होना चाहिए। ये गलत है, कितना होना चाहिए? लेस देन 6% होना चाहिए। और 6-10% का केस क्या कहता है? वियरिंग। यानी कि यहां उल्टा कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है कि बेस कोर्स में 6-10% और वियरिंग कोर्स के लिए लेस देन 6%, जबकि इसका अपोजिट सही है। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। सो देखते हैं क्या ऑप्शन है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नहीं। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये भी सही नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यही सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये भी नहीं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।